गाइस कल तेलुगु टाइम्स का होमलेग खत्म हो गया था और आज से चालू हो गया है बंगाल वॉरियर्स का होमलेग। सो गाइस यहां पे सबसे पहले जो मैच होने वाला है बंगाल वॉरियर्स का वो होने वाला है तमिल थलाइवास के खिलाफ। सो गाइस मैं लेके आया हूं आपके लिए उसी टीम के एनालिसिस और स्टार्टिंग सेवन। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल वॉरियर्स की स्टार्टिंग सेवन की। सो गाइस यहां पे सेंटर के पोजीशन में महेंद्र सिंह खेलते दिखने वाले हैं, देखते हैं कि अपने होम लैग के पहले मैच को कैसा आज का प्रदर्शन दिखाते हैं। उसके बाद हम बात कर ले राइट कवर की। सो राइट कवर पे हमें खेलते दिखने वाले सुरजीत सिंह, जो कि पिछले कुछ मैचेस में अच्छी फॉर्म दिखा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अपने होम लैग में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेफ्ट कवर की। सो लेफ्ट कवर के पोजीशन में खेलते दिखने वाले हैं जियाउर रहमान। जियाउर रहमान को पहले कुछ मैचेस में तो इतना मौका नहीं मिल रहा था, अब थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन वो दिखा रहे हैं गाइस, यहाँ पे अच्छे वो ब्लॉक्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आज के मैच में जियाउर रहमान को मौका मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट इन की। उसका राइट इन पे हमें खेलते दिखने वाले हैं जैन कुन ली। जी हाँ, बंगाल वॉरियर्स का होम लैग और जैन कुन ली ना दिखे तो गाइस ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए गाइस आज के मैच में जैन कुन ली को मौका दिया जाएगा ऐसा मेरा कहना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेफ्ट इन की। लेफ्ट इन पे हमें खेलते दिखने वाले महेश गौड़। पिछले मैच में महेश गौड़ और जैन कुन ली दोनों ही नहीं खेले तो गाइस, इसलिए पिछला मैच बंगाल वॉरियर्स बहुत ही बड़े मार्जिन से हारी थी। तो गाइस आज के मैच में जैन कुल्ली और महेश गौड़ दोनों को ही मौका मिलेगा ऐसा मेरा कहना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट कॉर्नर की। सो गाइस राइट कॉर्नर पोजीशन पे रण सिंह खेलते दिखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और राउंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और लेफ्ट कॉर्नर के पोजीशन में यहाँ पे आदर्श टी और बलदेव सिंह में से कोई एक खेलते दिखने वाले हैं, अभी कन्फर्म नहीं, पर मुझे लगता है कि बलदेव सिंह ही खेलेंगे। पिछले मैच उन्होंने 4 टैकल पॉइंट्स लिए, तो गाइस आज के मैच में लगता है कि बलदेव सिंह ही लेफ्ट कॉर्नर संभालने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तमिल थलाइवास की स्टार्टिंग सेवन की। यहाँ पे सेंटर के पोजीशन पे सुकेश हेगड़े खेलते दिखने वाले हैं, वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं राइट कवर को, राइट कवर पे हमें खेलते दिखने वाले पी सुब्रमण्यम। लेफ्ट कवर के पोजीशन में हमें खेलते दिखने वाले हैं डी प्रताप। राइट इन के पोजीशन में अजय ठाकुर खेलते दिखने वाले हैं, और लेफ्ट इन के पोजीशन में जसवीर सिंह और अतुल एमएस में से एक प्लेयर खेलते दिखने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं राइट कॉर्नर की। राइट कॉर्नर के पोजीशन में अमित हुड्डा खेलते दिखने वाले हैं, और लेफ्ट कॉर्नर के पोजीशन में खेलते दिखने वाले मंजीत चिल्लर। यहाँ आज के मैच में ऐसा थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं कि लेफ्ट कवर पे मंजीत चिल्लर खेले और लेफ्ट कॉर्नर पे डी प्रताप खेले, तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस तो होते रहते हैं तमिल थलाइवास की टीम में। और गाइस यहाँ पे आज का मैच में मेन जो चलना होगा वो चलना होगा अजय ठाकुर को और मंजीत चिल्लर को, उसके साथ अमित हुड्डा को पूरा डिफेंस लीड करना होगा। गाइस यहाँ पे ये तीनों ही प्लेयरों की मेन भूमिका और सपोर्टिंग के तौर पे अगर जसवीर सिंह या फिर अतुल एमएस जो भी आते हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और सुकेश हेगड़े तो हैं साइड के पोजीशन पे क्योंकि पिछले कुछ मैच में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो अगर वो भी अच्छे सपोर्टिंग के तौर पर अगर चलते हैं तो गाइस मैं मानता हूँ बंगाल को पूरी टक्कर दे सकते हैं बंगाल के पहले होम लैग के पहले मैच में ही। और गाइस बंगाल का होम लैग है, पहला मैच है, तो गाइस बंगाल की पूरी तैयारी होगी। सो गाइस बंगाल को भी अगर मनिंदर सिंह अगर चलते हैं आज के मैच में और जैन कुल्ली और महेश गौड़ उन्हें अच्छा सपोर्ट देते हैं, तो मैं आता हूँ रेडिंग में तो मुकाबला बराबर हो कर ही देंगे। और गाइस डिफेंस में जैसा कि बंगाल वॉरियर्स थी ही सीजन 1 से ही मजबूत टीम है बहुत, सो गाइस यहाँ पे रण सिंह का चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर रण सिंह और बलदेव सिंह जो दो कॉर्नर्स हैं अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और गाइस यहाँ पे अपने सुजीत सिंह जो कि कप्तान है अगर वो अगर अच्छा कवर संभालते हैं, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे डिफेंस में भी पूरी टक्कर होने वाली है। और गाइस यहाँ पे डिफेंस पे थोड़ा सा आगे मेरे को दिख रहा है बंगाल वॉरियर्स। तो गाइस आज के मैच में मुझे लगता है कि 60% चांसेस है बंगाल वॉरियर्स इस मैच को जीतने के, और 40% चांसेस है तमिल थलाइवास के। बट गाइस यहाँ पे अगर तमिल थलाइवास का डिफेंस उस हिसाब से खेला जिस हिसाब से हमने देखा है कि पिछले कुछ मैचेस में वो खेल रहा है, अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे दिखा रहा है डिफेंस पे, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे तमिल थलाइवास के भी जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो मैच है वो हो सकता है कि इंटरेस्टिंग हो अगर अजय ठाकुर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सपोर्टिंग लीडर के तौर पे अच्छे अगर प्रदर्शन करते हैं अतुल एमएस, सुकेश हेगड़े या फिर जसवीर सिंह, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मैच जो है बराबरी का होने वाला है। सो गाइस यही थी कुछ स्टार्टिंग सेवन और मैच एनालिसिस की वीडियो। गाइस आपको हाईलाइट्स की वीडियो हमारे चैनल पर हर मैच के हाईलाइट्स की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। सो गाइस जैसा कि हम अपने पहले से ही डाल रहे हैं, सो गाइस आप हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिए। उसके बाद गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कबड्डी और क्रिकेट से रिलेटेड सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।